मध्य प्रदेश में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजब उत तहरीर के जिस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है उसमें लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एटीएस की गिरफ्त में आए 16 सदस्यों में से 7 सदस्यों ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल किया है। मध्य प्रदेश में पूरे आतंकी मॉड्यूल का सरगना मोहम्मद सलीम, जिसका असली नाम सौरभ राजवैद्य था, जाकिर नाइक से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म कबूला था। भोपाल के बैरसिया का रहने वाला सौरभ राजवैद्य ने साल 2010 में अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। वहीं सौरभ की पत्नी मानसी ने भी हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूला था। सौरभ और उसकी पत्नी मानसी ने कट्टरपंथी विचारक जाकिर नाइक से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म कबूला था। भोपाल में एक कॉलेज में नौकरी के दौरान सौरभ कॉलेज में ही पढ़ने वाले कमाल के संपर्क में आया। कमाल ने सौरभ का ब्रेन वॉश कर उसके जाकिर नाइक की वीडियो के लिए प्रेरित किया और बाद में सौरभ जाकिर नाइक से मिलने के लिए मुंबई भी गया। जाकिर नाइक से मिलने के बाद भोपाल लौटकर सौरभ और उसकी पत्नी मानसी ने इस्लाम धर्म कबूल लिया और बाद में वह हैदराबाद शिफ्ट हो गए। सौरभ राजवैद के पिता का आरोप है कि सौरभ ने भोपाल में कॉलेज की नौकरी के दौरान डॉक्टर कमाल से संपर्क में आकर अपना धर्म बदला। पिता का आरोप है कि कमाल उनके बेटे को जाकिर नाइक की तकरीर सुनाता था। जाकिर नाइक के वीडियो से प्रभावित होकर सौरभ कट्टरपंथी साहित्य पढ़ता था, जिससे उसका ब्रेन वॉश हुआ और उसने इस्लाम धर्म कबूल लिया। धर्म परिवर्तन करने वाले सौरभ के पिता डॉक्टर अशोक जैन कहते हैं कि भोपाल में एक कार्यक्रम में उनके बेटे और बहू का धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। वहीं भोपाल के शहजहानाबाद के रहने वाला जिम ट्रेनर यासीर खान ने हिंदू लड़की से शादी कर उसका धर्म परिवर्तन कराया। भोपाल से गिरफ्तार किए गए 10 सदस्यों में से 5 ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूला है। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि भोपाल से गिरफ्तार किए गए 3 सदस्यों में से 3 सदस्यों ने हिंदू युवती से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन कराया। संगठन के सदस्य लोगों के बीच घुल मिलकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। समाज में घुल मिलने के लिए इनमें से कोई ट्रेनर होता था, कोई कंप्यूटर टेक्नीशियन होता था और कोई दर्जी, कोई ऑटो ड्राइवर इत्यादि का काम कर रहे थे।